तो गाइस आज हम लोग अपने ब्लेज आर्मर को रिफोर्ज कराने आए हैं। तो कौन सा रिफोर्ज ब्लेज आर्मर के एकदम उपयोग है, अभी मेरा टाइटन है तो मेरे को अपना डिफेंस बढ़ाना है तो मेरे को हैवी चाहिए, इसमें 160 प्लस डिफेंस बढ़ जाता है तो मेरे को यही चाहिए। और अब बाकी मैं दिखा देता हूँ किससे क्या होता है। प्योर ज़्यादा खास नहीं होता है, सारा कुछ थोड़ा ही थोड़ा बढ़ता है तो मैं ज़्यादा उसको वो नहीं करता, यूज़ नहीं करता। और दूजा टाइटन तो मैक्स हेल्थ के लिए चाहिए होता है और वाइस चाहिए होता है पूरा उसके इंटेलिजेंसी के लिए या माना के लिए, अगर किसी पास साइथ है तो वो इसको ही ज़रूर ले। और डिफेंस ये वाला मेरा है, इसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, हमारा डिफेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो मैं इसको ये पूरे आर्मर पे लगा लूँगा। हाँ, इसको पूरे आर्मर पे लगाने में पता नहीं कितना जाएगा, तो मैं मिलता हूँ थोड़ा लगाने के बाद। और मैंने अब रिफोर्ज पूरा कर लिया है, मेरे पूरे आर्मर पे हैवी मिल चुका है और अब मैं मेरा डिफेंस हो चुका है 769। ये बहुत ज़्यादा है, मेरे को कोई भी वन शॉट तो आराम से मार नहीं सकता। मैं कुछ ही दिनों में अपने ब्लेज आर्मर को फ्रोजन ब्लेज बना लूँगा, मेरे पास था लेकिन मैंने बेच दिया उसको, थोड़ा मेरे को मिनियंस लेने थे इसलिए मैंने बेच दिया। अब मैं इसको पूरा आर्मर को बना लूँगा और सर्वर थोड़ा ज़्यादा लैग हो रहा था, ऊपर से मेरा फ़ोन भी बहुत लैग हो रहा है, तो अब मैं पैसे जो बच गए हैं उनको बैंक में जमा करा देता हूँ। वैसे मेरे पास बैंक में 400 मतलब 4 लाख से ऊपर है नहीं, थोड़े ही से हैं बस, अभी तो पूरी एकदम कंगाली चल रही है। वैसे मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ, मेरे बैंक में मुश्किल से भी इतना पैसा 1 मिलियन से भी बहुत का, आधा मिलियन भी नहीं होगा, 425K। अब मेरे पास 600K हैं बस, ये तो बहुत कम है, इससे तो ज़्यादा मेरे पास स्टार्टिंग में हो गया था, तो अभी मेरे को थोड़ा बहुत तो और ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। चलो मैं देखता हूँ किसी के थोड़ा बहुत डायमंड वगैरह बेच के मेरे पैसे मिल जाए। अभी आइलैंड पे चलते अरीना चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ मेरा आर्मर कितना वैसा है। तो यहाँ पे कुछ चोमो बंदे भी आते हैं तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा यहाँ से, तो चलते हैं। गाइस मैं आ चुका हूँ अरीना में और ये बंदा मेरे को फालतू में मार रहा था, ये देखो इसको वन शॉट और इसको भी वन शॉट, दोनों बंदों को वन शॉट मारा। अभी रुको ये इसको आने दो, ये बंदा ये भाई क्रिटिकल में भी वन शॉट भाई, ये बंदा टीमिंग करके मार रहा है। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे को कमेंट कर देना तो मैं बना दूंगा, इसको मार के चलते।